नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर उत्तम योग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्री क्वेश्चन जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो डाइजेशन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खाना पचता ही नहीं है। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी रहता है, जब हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्री क्वेश्चन। सबसे पहले हम अपनी स्पाइन की तकलीफ जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास और में आपके आपकी शुमक की कम दम नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, तो अपने दोनों पाम्स को पाम्स आपके डाउन रहेंगे, अपने हिप पे सपोर्ट लेकर अपने चेस्ट हिप के नीचे रख के, इसके बाद बोथ लेग्स को टुगेदर रख के, इसके बाद 30 डिग्री पे उठाएंगे और कम से कम एक मिनट या आधा मिनट इसको होल्ड करेंगे। या यदि आपकी नाभि खिसक गई है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे पोस्चर है। और जो लोग इसको नहीं कर सकते हैं या जिनके पास काफी ज्यादा बैलेंस है उनके लिए है नौकासन। नौकासन में अपने दोनों नी को स्ट्रेट करके, बिल्कुल अपने लोअर बैक को स्ट्रेट करके यहाँ पर लोकल आसन में कम से कम एक मिनट होल्ड रखेंगे। और आपके स्टमक में यहाँ पर एक कंपन सी महसूस होगी, उस चीज को फील करिए। और आपका जो ध्यान होना चाहिए वो आपके बिग टोस पे होना चाहिए, आपके दोनों फिट होना चाहिए। आप होल्ड रखिए, इसके बाद स्लोली ले डाउन हो जाएंगे। देन इसके बाद हम अपने दोनों नी को बैंड करेंगे, और अगर आप अपने एंकल को ग्रैब कर सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो आपके पाम फेसिंग डाउन रहेगा। इसके बाद और आपके नी बोथ नी के डिस्टेंस आपके शोल्डर डिस्टेंस या हिप डिस्टेंस रहेगा। देन इसके बाद क्या करना है, सांसों को भर के हम अपने लोअर बैक को अप करेंगे और जितना देर यहाँ पर होल्ड रख सकते हैं यहाँ पर होल्ड रखेंगे। यहाँ पर अपने पेट को सांसों के माध्यम से जैसे हम कपाल बाकी करते हैं अपने डाउन वैसे करेंगे। और आपका ध्यान आपके लीवर पॉइंट आपके नाभि पे होना चाहिए। आप जितना लॉन्ग टाइम होल्ड रह सकते हैं उतना लॉन्ग टाइम होल्ड रखिए। इसके बाद स्लोली स्लोली छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद हम अपने दोनों हिप को टुगेदर करेंगे, और इसके बाद दोनों हिप को टुगेदर करने के बाद अपने बोथ बिग टोस को अपने नोज से टच करेंगे। और यहाँ पर जितने लॉन्ग टाइम होल्ड रह सकते हैं क्या चीज गड़बड़ लगी, क्या चीज आपको खराब लगी वो आप कमेंट